जिला बाल संरक्षण समिति एवं जिला टास्क फोर्स की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी सरोजीत सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में बाल संरक्षण की योजनाओं एवं बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनको देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता है अथवा विधि के उल्लंघन के कारण किसी अपराध से जुड़े हुए हैं, ऐसे बच्चों की देखरेख बाल हित में सार्थक प्रयास किए जाने के लिए चर्चा की गई। इसके साथ साथ बच्चों के हित में जनपद स्तर पर कार्य कर रही संस्थाओं, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड लाइन, बाल गृहों इत्यादि के बेहतर क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी किए गए। इसके साथ नियमित रूप से बैठक किए जाने, बच्चों की समस्याओं को प्राथमिकता पर लिए जाने एवं कार्यों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। सर 5 बच्चे सर सस्पेंडेड आए हुए हैं सर संरक्षण गृह के सर, वो सर बच्चे सर यही अपने अगस्त महीने में ही सर आए हुए हैं होम में सर, सर उनमें भी रखा गया है, अगर कोई सर दिक्कत उनको नहीं है सर प्रशासन की तरफ से सर हम लोग पूरी व्यवस्था किए हुए सर। सर 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 जनपद में 10 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग मानसिक बच्चों के लिए संस्था गृह बनाए जाने हेतु हाँ सर वो भी चरगाँव में बन रहा है सर, वो सर इंटीग्रेटेड होम है सर, उसमें 5 होम सर एक ही जगह पे बन रहे हैं सर, जिसे सर संरक्षण गृह का सर मैंने बताया। इसके साथ ही साथ सर मानसिक बच्चों के लिए सर 0 से 5 वर्ष के लिए सर एक होम है और 5 से 10 वर्ष के लिए सर बालक और बालिकाओं के लिए अलग है सर। सेम है जो पहले बताया था। हाँ सर वही प्रपोजल है सर, सेम स्थिति इसके लिए सर, वो इंटीग्रेटेड होम है सर, 21 घरों का सर गया हुआ है। जनपद में एक तो मानसिक बच्चे अस्वस्थ बच्चे हैं, बालक बालिकाओं के लिए भी कोई सेंटर होगा, ऐसे बच्चे प्राय मिलते हैं और उनको रखने के लिए हमें बहुत समस्या होती है। केवल एक खुला आश्रय भी है जो 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक व्यवस्था करता है, हो जाती है तो वहाँ भी रखने में परेशानी होती है। जो बालिका भी बच्ची है उनकी आवश्यकता है, जैसे केवल एक ही संयुक्त किया गया है कृपया उसको भी जोड़ा जाए। नहीं सर उसके 3 महीने जो दूसरे जनपद के हैं मुझे दीजिए, कमिश्नर साहब को दूंगा, कमिश्नर साहब मंडल में जब रिव्यू करते हैं उन जनपदों को इसके बारे में बोले सर। कितने बच्चे हैं जिनका नहीं बना रहा था सर? हमारे यहाँ सर संस्था और मतलब सर जिनसे बच्चे आते हैं और जाते हैं सर, लंबे समय तक 2-4-5 साल थोड़ा सा इशू आ रहा है सर, डॉक्टर तो सम्मानित हो गया सर लेकिन प्रॉपरली रिजर्वेशन का विजिट नहीं हो रहा है सर संस्थाओं में।